बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा सेंटीमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सीखा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे। चंदा अप्पू से रूलर के बारे में सीखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसके चम्मच को एक बार फिर रूलर से नापा, लेकिन ये क्या, चंदा को इस बार चम्मच की लंबाई 13 सेंटीमीटर मिली। चंदा सोचने लगी कि ऐसा कैसे हुआ। जब अप्पू ने उस चम्मच की लंबाई नापी थी तब वो 12 सेंटीमीटर का था, फिर आज वो 13 सेंटीमीटर का कैसे हो गया? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चंदा ने यहां कौन सी गलती की है? जी हां, चंदा ने इस बार जब चम्मच की लंबाई को नापा तो उसने 0 से शुरू करने के बजाय 1 से लंबाई नापना शुरू किया, इसलिए चम्मच की लंबाई में 1 सेंटीमीटर और जुड़ गया। बच्चों, याद रहे, जब भी हम किसी भी वस्तु की लंबाई को रूलर से नाप रहे हो तब हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लंबाई को 0 की संख्या से नापना शुरू करें। चंदा को उसकी गलती समझ आ गई और उसने चम्मच को 0 की संख्या से नापा और इस बार उसे चम्मच की लंबाई बिल्कुल पहले की तरह 12 सेंटीमीटर मिली। अब चंदा को अपने लिए एक घाघरा सिलवाना है। चंदा ने सोचा, क्यों ना वो अपनी कमर को भी रूलर का इस्तेमाल कर नाप ले। उसने तुरंत रूलर को अपनी कमर के बगल में इस तरह से पकड़ा और एक कागज पर लिख लिया कि उसकी कमर का नाप 5 सेंटीमीटर है। बच्चों, क्या चंदा ने उसकी कमर का नाप सही तरह से लिया है? चंदा ने उसकी कमर का नाप गलत तरह से लिया है। बच्चों, यदि हमें किसी भी घुमावदार वस्तु का नाप लेना हो तो हम उसे रूलर के बगल में रखकर नहीं नाप सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हम उसकी पूरी लंबाई नाप नहीं सकते, उसके घुमावदार हिस्से और पिछली साइड नाप से छूट जाते हैं और रूलर टूट भी सकती है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? मान लो हमें चंदा की कमर का नाप लेना हो तो हम एक रस्सी से पहले उसकी कमर का नाप लेंगे, फिर हम उस रस्सी को रूलर के बगल में रखेंगे। इस रस्सी का जो भी नाप है वही चंदा की कमर का सही नाप है। इस तरह चंदा की कमर का सही नाप कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। जब चंदा बड़बोले चाचा के पास अपने लिए नाप के साथ पहुंची तब बड़बोले चाचा ने भी चंदा को इस तरह से उसकी गलती के बारे में समझाया। चंदा ये नई बात सीखकर बहुत खुश हो गई। अब उसने अपनी कमर को सही तरह से नापा और बड़बोले चाचा से एक सुंदर घाघरा सिलवा लिया। देखिए, चंदा अपने नए घाघरे में कितनी सुंदर नजर आ रही है। बच्चों, इस वीडियो में हमने सेंटीमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखा।